संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए कोटेदारों ने बताया कि ठेकेदार पिछले कई माह से लापरवाही के कारण वितरण तिथि का तक राशन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जिससे निर्धारित समय पर खाद्यान्न न मिलने के कारण वितरण प्रक्रिया बाधित होने की पूर्ण संभावना होती है, जिसके कारण जनपद का पिछले माह का वितरण प्रदेश स्तर पर सबसे निचले स्तर पर रहा है। कोटेदार ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर आदेश पारित करने की मांग की है, जिससे कोटेदार समय से वितरण कार्य कर सके। साथ ही लाभ की धनराशि का भुगतान और समायोजन समय से कराने की मांग की है। नहीं मिल रहा है क्या वो खाद्यान्न? लगातार कोटेदारों द्वारा जानकारी मिल रही है, पिछले माह भी ठेकेदार द्वारा तय समय पर निश्चित समय पर खाद्यान्न न दे पाने के कारण जनपद का वितरण निचले स्तर पर रहता है। इस माह भी आज वितरण की तिथि है, स्टार्टिंग तिथि आज से वितरण शुरू होना था। अभी तक 70% कोटेदार राशन उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे कड़ाके की ठंड में कई राशन कार्ड धारक दुकान आते और लौट जाते हैं। हम कोटेदारों के पास भी कोई निश्चित समय नहीं कि हम उन्हें बता सकें कि राशन कब तक आए।